क्या प्रिंसिपल है और कैसे जनरेट करते हैं लेट्स हैव अ लुक एट दैट नंबर वन बच्चों ये ध्यान रखना है आपको एक टेबल बनाते हैं इसमें हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे एक हमने यहाँ पे टेबल बना लिया लाइक दिस वन इस टेबल में हमें क्या करना है यहाँ पर इस टेबल में कुछ ऐसे करते हैं एंड ड्राइंग लाइंस लाइक दिस पहले तो हमारे पास जो भी हमारे पास कार्बन आएगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ये नेम नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड देयर इज नेम सो हियर आई कैन राइट नंबर वन पहला हमने क्या लिखना है इसमें यहां पर लिखना है नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड And then I'm writing here Ek Dusra Tisara Chota. Hmm. Yeah. So let's have a look at that. पहला इस समय क्या करना है यहां पर सबसे पहली बात जो हम लोग करने वाले हैं नंबर ऑफ कार्बन हमने क्या ले लिया इसमें वन ये जीरो सो वी कॉल दिस फॉर्म ठीक यहां पर वन है जीरो पॉसिबल ही नहीं है टू है जीरो है सो इट्स नेम इज एसेट ए सीई टी एसेट हो गया यहां पर फिर थ्री है जीरो दिस इज प्रपियॉन प्रोपी ऑन प्रोपियॉन प्रोपेनोइक और प्रोपियोनिक एसिड ध्यान रखना प्रोपियोनिक बोलेंगे तो वो कॉमन नेम है और प्रोपियोनिक बोलेंगे प्रोपियोनिक इज कॉमन नेम प्रोपेनोइ यहां पर आई यूपीएससी नेम है नाउ वेन इट इज थ्री एंड वन दिस इज ए सी आर एकर ए सी आर हो गया यहां पर ठीक देन फोर एंड जीरो दिस इज ब्यूटायर

ठीक फॉर्मल डिहाइड हो गया सिमिलरली एसीटोन ले लिया एसिटल डिहाइड ले लिया एसिटाइल क्लोराइड ले लिया सिमिलरली फिर प्रोपियोनिक एसिड सो वेन आई से दिस वन जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस ध्यान से देखो बच्चों इसका क्या नाम हो जाएगा आई एम आस्किंग यू द नेम ऑफ दिस कंपाउंड ओ डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और आई हैव टेकन दिस वन यहाँ पे CHO लगा हुआ है और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है ठीक so what will be its name similarly i have taken this one cooh and double bond is here ye wala hai cooh and here we can say ye wala likh liye humne yahan par aur oh ke badle h le lete hain yahan se so what will be its name kya ho jayega double bond yahan लगा दिया so what is name of these compounds क्या-क्या नाम हो जाएगा इसमें क्विकली बताना है यहां पर इसका नाम क्या होगा देखो यहाँ पर एक दो तीन कार्बन है डबल बॉन्ड है तीन कार्बन एक डबल बॉन्ड तो ए सी आर इसका रूट वर्ड है रूट वर्ड ए सी आर हो गया यानी क्या नाम हो गया क्या है एसिड है सो इट्स नेम वुड बी एक्राइलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा क्या नाम होगा एक्राइलिक एसिड एक्राइलिक एसिड ठीक इसका नाम क्या हो जाएगा टू थ्री फोर चार है सो दिस इज क्रोटोनिक एसिड क्रोटोनिक एसिड दिस इज क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड ये हो गया इसका नाम सिमिलरली यू कुड हैं यहां पर ये वाला ऐसे ले लिया सी ट्रिपल बोन एन एक दो तीन यहां पर है डबल बोर्न ऐसे लगा दिया इसका नाम क्या हो जाएगा क्राइलो नाइट्राइल एक्राइलो नाइट्राइल सो दीज आर दिस इज हाउ वी कैन जनरेट कॉमन नेम फॉर दीज इन सब का कुछ ऐसे हम लोग नेमिंग जनरेट कर सकते हैं सो दैट इज हाउ दिस इज जनरेटेड तो यानी क्या ध्यान रखना है वन है कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो फॉर्म टू है कोई डबल बॉन्ड नहीं है एसिड तीन है कोई डबल बॉन्ड नहीं है प्रोपियोन तीन है एक डबल बॉन्ड है एकर चार है जीरो डबल बॉन्ड ब्यूटायर चार है एक डबल बॉन्ड क्रोटोन पांच है जीरो है तो वेलर ऐसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं वेलडिक एसिड वेलडेट ऐसे यूज होता है इसका नाम इसके बाद कॉमन नेम ऑफ सम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग बात करते हैं सो कॉमन नेम ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है सो आई एम राइटिंग हियर कॉमन नेम ऑफ सम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस क्लियर सर हम्म यस सर क्रो

एंड देयर फोर आई कैन राइट या कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं हमने क्या कर दिया यहाँ पर सपोज पहला ले लिया मैंने यहाँ जैसे मेरे पास मान लिया हमने इसमें कहा कि भाई मेरे पास ये है लाइक दिस वन नंबर वन सिंपलेस्ट वन इज वो डैक एसिड में सीओ एच ले लिया हमने सीओ एच ठीक, दूसरा ले लिया मैंने यहां पर ये वाला सीओ ओ एच सी एच टू सीओ एच देन आई हैव टेकन द नेक्स्ट वन दैट इज दो कार्बन ले, ले लेते हैं यहां पर बीच में सीओ ओ एच सीओ फिर तीन कार्बन ले लिया अब इसको मैं यहां पे ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे लिखता हूं सी एच टू होल थ्राइस सीओ सीओ इसके बाद हमें क्या करना यहां पर एक और लिखा यानी सी एच टू होल फोर सीओ एच सीओ एच सो हियर वी कैन राइट इन सबको हम लोग बात करते हैं यहां पर तो इसका नाम क्या है म एज ऑग एसिड क्या नाम है इसका वट डी राइट फॉर देम वैन राइट ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड लिखेंगे यहां पर ऐसे लिख दिया ऐसे कर दिया इसको ऐसे लिखा ठीक सो इट्स नेम एज ऑग्जैलिक एसिड ऐसे ऑक्सालिक एसिड ये वाला क्या है मैलनिक एसिड मैलनिक एसिड दिस इज कॉल्ड सक्सेनिक एसिड दिस इज कॉल्ड न डू एज यहाँ से देखो एक छोटी सी बात है बहुत ही बढ़िया सी बात है यानी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर सो वी कैन डू वन थिंग लाइक दिस कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको जस्ट इसको कवर कर लो

जैसे हम लोग बात करें यहां पर लाइक थैलिक एसिड है आइसोथालिक एसिड है और वी कैन से वी हैव एसिड एसिड है सो दैट इज अगेन उसके अलावा भी एक आध सपोज जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ ये वाला ये ऐसे है ये ऐसे लिया ये वाला ऐसे ले लिया दिस इज कॉल्ड सिनामिक एसिड क्या नाम है इसका सिनामिक एसिड

तीसरा मैंने यहां पे पैरा पोजिशन में भेज दिया so कहलाता है ये, एल आई सी थैलिक एसिड ठीक ये वाला कौन सा है दिस इज कॉल्ड आइसोथैलिक एसिड आइसोथैलिक एसिड राइट

सीओ ओ एच देखो ये वाला सी ओ ओ एच तो यह सिर्म कहलाता है एंड देर फॉर यहां पर जोड़ दो यहां पर ऐसे देन वी हैव वन मोर दैट इज इसमें बिल्कुल अपोजिट यानी C डबल बॉन्ड O ओ है यहां पर ये यह ऐसे डबल बॉन्ड ले लिया और ये C डबल और ये o यहाँ पर है ठीक तो ये वाला एच और ये वाला एच इधर है so this is called fumaric. देखो बच्चों खुबी इसमें ये है यहाँ पर कि इसमें कैसे मैं याद क्या रखना है और किस तरीके से याद रखना है इसका तरीका ये होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि नंबर वन ये जो हमने लिख रखा है यहाँ से सो वी कैन डू इट लाइक इसमें ये कहेंगे ये वाला क्या है हमारे पास ये इसका एनहाइड्राइड बनता है तो दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड तो मैलिक जिसमें सीएएच सेम साइड में होगा उसी का एनहाइड्राइड बन सकता है इसलिए ये वाला क्या कहलाता है मैलिक एन मैलिक एसिड का एनहाइड्राइड बनता है लेकिन फ्यूमेरिक का नहीं बन पाता क्योंकि तो ये सी और ये सी इसमें से डिहाइड्रेट नहीं कर पाते हैं एंड देर फुल इस तरीके से आप इसको याद रखोगे कि सिस वाला कौन सा है ट्रांस वाला कौन सा है जिसका एनहाइड्राइड बनेगा वो सिस वाला है यानी ये कौन सा हो गया मैलिक एनहाइड्राइड इसका नाम क्या है मैलिक एनहाइड्राइड एक एनहाइड्राइड तो इसका नाम क्या होगा मैलिक एसिड मैलिक एसिड एंड सो वी कैन ड्रॉ देम इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर रखा है एंड दस वी कैन राइट इट दिस वे ठीक सो दीज आर सम कॉमन नेम्स कुछ को हम लोग ऐसे डिराइव करते हैं और ये याद रखना है हमें इस टेबल को सो दैट्स ऑल अबाउट दिस नोमिन क्लेचर ऑलरेडी मैंने शीट आपके साथ शेयर कर ही रखा है इसको प्लीज एक बार गो थ्रू करें आप लोग देखो इसको इसमें जो न्यूमोनिक्स बताया उसको न्यूमोनिक्स को याद रखना देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन जैसे मैंने आइसोथलिक थैलिक एसिड लिखा है टेरीथालिक एसिड लिखा है इसको फिर हमारे पास मैलिक एसिड है फिमालिक एसिड है इसको ये सब ध्यान रख करके पढ़ के ध्यान रख करके देन वील वी गोइंग अहेड एनी डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क